पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने कितनी सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। आज ही के दिन 1929 में ऑस्कर का सबसे पहला समारोह हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में आयोजित किया गया था। इस अवार्ड में यूनाइटेड स्टेट की फिल्म इंडस्ट्री को सम्मानित किया जाता है। अगर ऑस्कर विजेता अपनी ट्रॉफी बेचना चाहे तो वो सिर्फ अकादमी को ही बेच सकता है, वो भी सिर्फ $1 में। आज ही के दिन 1943 में जर्मनी के वॉरसो में 28 दिनों के बाद यहूदी बस्तियों में हुई लड़ाई खत्म हो गई। इस कार्रवाई में जर्मनी के सैनिकों ने यहूदियों को रेलवे स्टेशन की तरफ भेजना शुरू किया ताकि उन्हें यातना शिविर भेजा जा सके, लेकिन यहूदियों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सशस्त्र बलों पर देसी बमों और लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया था। आज ही के दिन 1974 में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 7 फलस्तीनी शरणार्थी कैंपों और दक्षिणी लेबनान के गांवों पर बम से हमले किए थे। इन हमलों में करीब 27 लोग मारे गए थे और 138 घायल हो गए थे। इन हमलों से सबसे ज्यादा प्रभावित इन एल हेलवेह का शरणार्थी कैंप हुआ था। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित स्वतंत्र राज्य था, लेकिन 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद ये भारत में विलीन हो गया। सिक्किम प्राकृतिक रूप से भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में आता है। आज ही के दिन 2013 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पहली बार क्लोन किए गए इंसानी भ्रूण से स्टेम सेल यानी मूल कोशिका निकालने में सफलता पाई थी। स्टेम सेल खुद को शरीर की किसी भी कोशिका में ढाल सकती है। आज ही के दिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 16वें लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला था। इस चुनाव में 282 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली। NMF न्यूज की रिपोर्ट।